नमस्कार दोस्तों, आज बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले मुजफ्फरपुर में जो धरना का आयोजन होना है उसकी तैयारी की जा रही है। यहाँ विभिन्न संगठनों के लोग जुटे हुए हैं और अपने माध्यम से कार्य को प्रगति पर ले जा रहे हैं और मुजफ्फरपुर के थाना स्थल समाहरणालय स्थल पर कार्य चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे साथी आए हुए हैं। आइए संतोष भाई से जाने कि क्या तैयारी हो रही है आज के धरने को लेकर के। आज हम लोग धरना स्थल पर पूरी तरह से फाइनल टच कर दिए हैं साफ सफाई का, और हमारे जिले के तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं का दिल से यहां पर स्वागत करने के लिए हम लोग तैयारी हैं। आप सभी लोग आइए यहां पर और 12 बजे से यहां पहुंचने का शुरुआत कीजिए। हम लोग 11 बजे से चूँकि विद्यालय मॉर्निंग है और 11:30 तक तो विद्यालय ही रहेगी, तो निश्चित रूप से विद्यालय से छूटने के बाद हल्का नाश्ता करके हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होंगे और आज शाम तक 4 बजे तक रहना है यहाँ पर। पूरी तरह से तैयारी होकर के आए, ऐसा ना हो कि बस 10 मिनट के लिए चेहरा दिखाने के लिए आए, क्योंकि संघर्ष के बिना कोई भी चीज़, कोई भी अधिकार, चाहे समाज का कोई भी भलाई बिना मेहनत और संघर्ष का पूरा नहीं होता है। अतः हमारे तरफ से तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं से यह निवेदन है कि आप लोग 11:30 में विद्यालय जब खत्म होती है उसके बाद से धरना स्थल की तरफ कूच करें, भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थिति दिखाएं। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक एकता, जय शिक्षक एकता। बैनर में कुछ मिस्टेक है, एक वो तो डेट हो गई 17 अक्टूबर, देख सकते हैं यहाँ पर तैयारी हो रही है। जो भी सफाई कार्य बाकी है उसको किया जा रहा है और पंडाल का निर्माण हो रहा है ताकि यहाँ पर छाया का व्यवस्था किया जा सके। मुजफ्फरपुर स्थित कलेक्ट्रेट के समक्ष आज का ये कार्यक्रम होना है। कार्यक्रम का आगाज 12 बजे से हो जाएगा क्योंकि उससे पहले ही शिक्षक लोग पहुंचना शुरू कर देंगे, लेकिन 11:30 तक आज स्कूल है तो मॉर्निंग शुरू कर दिया गया है। ऐसे में 12 बजे से हर हाल में कार्यक्रम की शुरुआत कर दी जाएगी। आइए, पतंकारी शिक्षक महासंघ के प्रदेश संयोजक सह MLC प्रत्याशी प्रणय कुमार जी से कुछ जानते हैं कि आज की तैयारी कैसी है और क्या क्या आज हो रहा है। जी भैया बताइए। आज मुजफ्फरपुर जिले के तमाम शिक्षक भाई बहन यहाँ पर उपस्थित होंगे और जो समान काम समान वेतन की जो उनकी पुरानी मांग है जिसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उस मांग की मजबूती के लिए यहाँ पर अपनी चट्टानी एकता का परिचय देंगे और साथ ही संकल्प लेंगे कि जो 5 सितंबर का कार्यक्रम पटना में है उसमें भी एक एक साथी शामिल होंगे और निश्चित तौर पर जो 2020 है 20 के प्रथम में ही तमाम शिक्षकों को समान काम का समान वेतन मिले, इसके लिए बिहार शिक्षक समन्वय समिति ने जो आंदोलन का रूपरेखा तय किया है उस पर एक एक साथी को विश्वास है और आज वह विश्वास पुनः जिला में दिखाई देगा, बिहार के तमाम जिलों में दिखाई देगा और जो शिक्षकों की ताकत है वह सरकार के सामने आज आ जाएगा और निश्चित तौर पर जो सरकार है सरकार के लोग भी इस पर विचार करेंगे कि शिक्षकों को समान काम का जो समान वेतन है वो मिलना चाहिए
और इसका हम तमाम साथी पुरजोर समर्थन करते हैं और उसके लिए वर्षों से जो संघर्ष है उस संघर्ष को और गति देने की ज़रूरत है। बस इन्हीं सब बातों पर आज विचार होगा और धरना के माध्यम से सरकार को बताया जाएगा कि जो शिक्षक की समस्या है उसको नज़रअंदाज न किया जाए। अगर हमारी समस्या को नज़रअंदाज किया जाएगा तो निश्चित तौर पर हम लोग भी सरकार के समस्या को नज़रअंदाज करेंगे और जो बिहार का छवि है शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित तौर पर शिक्षकों के कंधों पर जो रखा गया है और बार बार सरकार का रिपोर्ट भी आ रहा है कि जब से नियोजित शिक्षक बहाल हुए बिहार में शिक्षा के स्तर में विकास हुआ है। तो अगर शिक्षा के स्तर में हम विकास किए हैं तो निश्चित तौर पर शिक्षक के स्तर में भी विकास होना चाहिए, यही आज सरकार से हम लोग मांग रखने वाले हैं। जी धन्यवाद। और यहाँ उपस्थित हैं अखिलेश कुमार सिंह जी जो कि प्रतंकारी शिक्षा महासंघ के प्रदेश महासचिव भी हैं, लेकिन अभी कोई संगठन है नहीं। आप हम सभी जान रहे हैं कि अभी कोई संगठन नहीं, सभी को संगठन एक समन्वय समिति के अंतर्गत सारे कार्य हो रहे हैं। तो इस तरीके से इनका विचार जानते हैं कि तैयारी कैसी हो रही है और सच को कहने के लिए जितनी भी गंदगी थी उसको दूर किया गया है, साफ़ सुथरा किया गया है धरना स्थल को। इस संबंध में कल से ही लगे हुए हैं हमारे अजय ओझा भैया और जानते हैं अखिलेश भाई से कि इनकी क्या अगली रणनीति है। जी सबसे पहले सभी साथियों का अभिनंदन है, स्वागत है। और आज ये जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है ये जिले में पहली बार नियमित संगठन, नियोजित संगठन, सब शिक्षक, सभी संगठन के लोग एक साथ एक मंच पर शिक्षकों की समस्याओं के लिए समान काम समान वेतन के लिए हुंकार भरेंगे और सरकार को अपने इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से चेतावनी देंगे कि अभी भी वक्त है, संभल जाइए, अन्यथा आज बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर हो रहा है, पिछले दिनों 3 अगस्त को प्रखंड मुख्यालय पर हुआ। अगर अभी तक के कार्यक्रमों में सरकार की कार्यक्रमों से सरकार की कुंभकर्णी निंद्रा अगर नहीं टूटी तो बिहार के तमाम शिक्षक, चाहे वो नियोजित हो, मूल शिक्षक हो, ये बिहार आज शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले हम सभी शिक्षक पटना के गांधी मैदान में एक ऐतिहासिक प्रदर्शन करेंगे। और जब तक समान काम के बदले समान वेतन नहीं मिल जाता है तब तक सरकार को करारा जवाब देने के लिए बिहार के शिक्षक संकल्प ले चुके हैं और हम सभी तैयार हैं। तो सरकार भी समय रहते हम लोगों को ये हम लोगों के की जो मांग है उसकी पूर्ति करे, अन्यथा हम जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है हमारा आंदोलन, जोरदार आंदोलन पूरे बिहार में चलेगा, सरकार के विरोध में चलेगा। इसी के साथ और अभी हमारे नगर परिषद नगर निगम की ओर से और हमारे वार्ड पार्षद हैं हमारे अजय कुमार ओझा जी जो प्रदेश के संरक्षक भी हैं शिक्षक संगठन के, वे लगातार कल से ही साफ सफाई नगर निगम के माध्यम से अपने स्तर से लगे कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और शिक्षक जहां भी जाते हैं एक संदेश देते हैं, आज ये जो कार्यक्रम है, ये धरना स्थल है, जो साफ सफाई का जो नज़ारा देखा जा रहा है, ये निश्चित रूप से ये बदलाव है। यहां भी शिक्षक पहुंचे हैं, उनका कार्यक्रम है, देखिए ये धरना स्थल। मेरे समझ से ये सिर्फ सफाई जमीनी स्तर की सफाई नहीं है बल्कि सरकार की कुनीति जो है उसकी भी सफाई हो रही है, उसकी भी सफाई हो रही है कि हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं तो फिर ये सफाई हो रही है, अन्यथा ये तो समाहरणालय कक्ष के सामने है ये स्थल, तो ऐसे ही साफ रहना चाहिए। तो निश्चित रूप से शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं और समाज के निर्माता हैं, इसलिए शिक्षकों के समस्याओं को सरकार नज़रअंदाज नहीं करे, अविलंब से अविलंब हमारी मांग को पूरी करे, अन्यथा खमियाजा भुगतने के लिए 2020 के लिए तैयार रहे। जय हिंद, जय शिक्षक, बिहार शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति जिंदाबाद। जी जिंदाबाद। तो ये थे अखिलेश भैया और इस तरीके से देख रहे हैं कि सारा कार्य प्रगति पर है और पंडाल भी लगाए जा रहे हैं, बरसाती का भी व्यवस्था किया जा रहा है क्योंकि बारिश की भी मौसम संभावना है कि बारिश भी हो सकती है, तो ऐसे परिस्थिति में बरसाती का भी व्यवस्था किया जा रहा है। और देखते हैं इस काम में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ करके
हमारे अजय ओझा भैया, हमारे अजय ओझा भैया जो सक्रिय रूप से साफ सफाई में और पंडाल लगाने के कार्य में लगे हुए हैं। आइए जानते हैं थोड़ा उनसे कि वे क्या कहते हैं। जी अजय ओझा भैया, लाइव है और आपसे जानना चाहते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। सारे मुजफ्फरपुर के शिक्षकों से आह्वान करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में यहां आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, अपनी चट्टानी एकता का परिचय दें। खास कर महिला शिक्षकों से विशेष कर अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक संख्या में घर से चल दें। आपका मंच तैयार है, पूरी तरह साफ सफाई हमने करके पूरी तरह मंच के व्यवस्थित कर दिया है। आप अपनी मांगों को लेकर जो आज प्रोटेस्ट आपको करना है ताकि सरकार की नींद हराम हो, और आपका प्रोटेस्ट से ही सरकार का नींद हराम होगा और उस पर सरकार बाध होगा आपके वेतन मान के लिए। इसलिए आप अधिक से अधिक संख्या में इस जगह पर आएं। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए सभी लोगों ने अपनी अपनी तैयारी कर रखी है और कर रहे हैं, संभवतः एकदम 11 बजे तक सारी तैयारी कर ली जाएगी। बस इंतजार है तो आप शिक्षकों का, जितने भी आम शिक्षक हैं सभी लोग आप लोग आइए और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए ताकि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँच सके। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पहुँचेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। आपको बता दें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों के पास पहुँच जाए और वे इस कार्यक्रम में शिरकत कर सके। अब आइए, हम जानते हैं टीटी शिक्षक हमारे भाई हैं, हमारे भाई कुछ बोलेंगे इस संबंध में। बस इतना ही कहना है कि हम सभी लोग यहाँ आके आप लोगों के लिए सारी व्यवस्था कर चुके हैं। आप सभी लोग जल्द से जल्द धरना निशांत भाई उपस्थित हो। बाकी निशांत भाई लोग हैं और भैया लोग हैं, बताएंगे। हाँ निशांत भाई, हम लोगों की हमेशा से यह प्रमुख मांग रही है समान काम समान वेतन, और इसी कड़ी में आज का यह संघर्ष है। यह राज्य सरकार को यह बताने के लिए है कि हम लोग सोए नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ नहीं होता है, जनता की मांग भी बहुत कुछ होती है, और यह लोकतंत्र है जो जनता से ही चलती है। और शिक्षक अपने हक के लिए जागरूक हैं, अगर शिक्षक ही जागरूक नहीं रहेंगे तो यह समाज का क्या होगा। समाज को हमेशा रास्ता दिखाने का काम शिक्षकों ने किया है, इसलिए शिक्षक भी अपने हक के लिए जागरूक हैं। और यह जब तक शिक्षक को उनका हक नहीं मिलेगा वो अपने विद्यालय में सही से बच्चों के प्रति जागरूक नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनका ध्यान सब कुछ अपनी समस्याओं की तरफ लगा रहेगा, और जब अपनी समस्याओं की तरफ उनका ध्यान रहेगा तो विद्यालय की व्यवस्था कितनी अच्छी होगी आसानी से समझा जा सकता है। आज बच्चे अगर सरकारी विद्यालय छोड़कर प्राइवेट विद्यालयों में अपना नामांकन करवा रहे हैं तो इसके लिए सरकार और उसकी नीति मुख्य रूप से दोषी है। सरकार को चाहिए शिक्षकों की मांग और विद्यालय व्यवस्था पर पूर्णतः अपना फोकस करे। आज स्थिति यह है कि सभी विद्यालयों में ढंग के शिक्षक तक नहीं है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि शिक्षकों की संख्या ही पर्याप्त नहीं है। आप देख सकते हैं कि जितने भी मध्य विद्यालय हैं उन सभी मध्य विद्यालय कम से कम 99% मध्य विद्यालयों में आपको 6 to 8 में पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति ही नहीं की गई है, और ना ही अभी भी रिक्ति दिखाई जा रही है। स्थिति यह है कि अधिकांश विद्यालयों में या तो एक या एक भी स्नातक ग्रेड के शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है, जबकि यह अत्यंत आवश्यक है। चाहिए सरकार को कि सभी व्यवस्था देते हुए और शिक्षकों की बहाली इसमें की जाए। यह स्थिति ये हो चुकी है कि कई सारे शिक्षक की नौकरी छोड़कर 4th grade की नौकरी में जा रहे हैं। अगर इससे बेहतर आज के डेट में, और वो आज इससे बेहतर समझ रहे हैं, समझा जा सकता है शिक्षक की गरिमा और विद्यालय की गरिमा को यह सरकार किस तरह से ठेस पहुंचाने का कार्य कर रही है। बहुत दुख होता है जब आज 4th grade का शिक्षक बनना, 4th grade का कर्मचारी बनना शिक्षक ज़्यादा बेहतर समझते हैं और इस नौकरी को छोड़कर उस नौकरी में चले जाते हैं। और मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि सरकार को अपनी इस नीति को पूर्णतः बदल कर और सभी शिक्षकों को उनका हक देना चाहिए और विद्यालय की व्यवस्था को
सुधार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि शिक्षकों के अंदर कितना दर्द है, कितना क्रोध है, और इसको बयान करने के लिए आज सभी शिक्षक, सभी संगठनों के शिक्षक इस मंच से आएंगे और अपनी अपनी बातों को रखेंगे। वैसे परिस्थिति में हम सभी का भी दायित्व बनता है, हम जितने शिक्षक हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएं, अपने जिला मुख्यालयों में पहुँचें, ताकि आपकी बात सरकार तक पहुँच सके। हालांकि सरकार के पास बात पहुँच रही है, आपका 3 तारीख का जो आंदोलन हुआ था 3 अगस्त को, वह एक जो उसकी बात थी, जहां पहुंचनी थी वो पहुंच चुकी है। फिर भी हम लोगों को जो चरणबद्ध आंदोलन के तहत आज 17 अगस्त का जो कार्यक्रम है, इसको भी पूर्ण रूप से सफल बनाना है, और इसको सफल बनाते हुए 5 सितंबर का जो कार्यक्रम है पटना में, उस कार्यक्रम को भी सफल बनाने के लिए प्रयासरत रहना होगा। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही, और फिर अपडेट ऐसा होगा आप लोगों को हम लोग देंगे मुजफ्फरपुर से। तो तैयारी चल रही है, आप देख सकते हैं बांस बल्ला लग गया है, बस पंडाल लग जाएंगे थोड़ी देर में, और बस आप लोग का इंतजार है। कोशिश कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक इसको देख सके और वे इस संदेश को पा सके। और 11:30 में स्कूल बंद हो जाएगी, उसके बाद सभी लोग डायरेक्ट कोशिश करेंगे स्कूल से यहाँ पहुँचे, क्योंकि 12 बजे से कार्यक्रम हर हाल में शुरुआत कर दी जाएगी। तो इन्हीं सारी बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव ऑडियो को देखने के लिए। आप सभी का हार्दिक आभार और धन्यवाद।